हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं क्योटो, क्योंकि जापान में इस वक्त चेरी ब्लॉसम सीजन स्टार्ट हो गया है। हमने सोचा इस साल चेरी ब्लॉसम सीजन में क्योटो के फेमस प्लेसेस को विजिट किया जाए। चेरी ब्लॉसम सीजन जापान में एंड ऑफ मार्च से 10th of April तक पीक पर होता है और चेरी ब्लॉसम सीजन में जापान की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है और इस पीरियड में दुनिया के कोने कोने से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आए हैं क्योटो में फिलोसफर पाथ। ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलोसफर पाथ है। के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जापान के फेमस फिलोसफर हुआ करते थे, जिनका नाम था निशिता किटारो। उनके नाम पर इस पाथ का नाम फिलोसफर पाथ रखा गया है। कहते हैं वो अपने डेली रूटीन में जब भी अपनी क्योटो यूनिवर्सिटी जाया करते थे इस रास्ते से, तो इस पाथ का यूज़ अपने मेडिटेशन और वॉकिंग के लिए किया करते थे। ये पाथ लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर चेरी ट्रीज लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से इसको डेवलप किया गया है। क्योटो में इस समय जितने भी फेमस प्लेसेस हैं सब जगह काफ़ी क्राउड है, बहुत टूरिस्ट आया हुआ है इस समय यहाँ पर। यहाँ पर हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। देखिए, ये माही आज अपने फेरी कॉस्ट्यूम में आई है चेरी ब्लॉसम सीजन को देखने के लिए। चेरी ब्लॉसम ही बनकर आई है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं क्योमिज़ुडेरा टेम्पल। ये भी क्योटो का बहुत ही फेमस प्लेस है। सभी गर्ल्स जैपनीज कल्चर ड्रेस किमोनो में इस खूबसूरत दृश्य का, खूबसूरत स्थान का आनंद उठाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, आज यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है। दूर दूर से लोग इस टेम्पल की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस टेम्पल को देखते हैं, ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। सभी लोग नेचर की ब्यूटी को अपने कैमरे में कैच करते हुए, यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। पहाड़ों के बीच ये खूबसूरत मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। चेरी ब्लॉसम ट्रीज जो कि वाइट और पिंक फ्लावर रखते हैं, यहाँ पर जगह जगह लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट है इस मनोहर दृश्य का साक्षी बनने के लिए। कोई भी इस ब्यूटीफुल दृश्य को मिस नहीं करना चाहता, सभी इस ब्यूटीफुल मोमेंट को अपने कैमरे में सेव करते हुए। देखिए दोनों बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है इन दोनों को यहाँ पर। यहाँ पर आकर सच में बहुत अच्छा लगा, नेचर ने इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा दिया है। खूबसूरत चेरी ट्री है विद पिंक फ्लावर्स और यहाँ पर पिक्चर क्लिक करने के लिए सभी लोग क्यू में लगे हुए हैं अपनी बारी का वेट करते हुए।
मामा पार्क, ये भी क्योटो का बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस टाइम। और यहाँ पर जितनी भी ये फेमस प्लेसेस है, स्पॉट्स है, सब जगह यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स हैं, जिसमें ड्रिंक स्टॉल्स हैं, गेम्स स्टॉल्स हैं बच्चों के खेलने के लिए। खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आज सभी लोग पूरा दिन यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, अपने मैट्स के साथ, अपने फूड आइटम्स के साथ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पर भी चेरी ट्रीज को बहुत खूबसूरती से लगाया गया है। इस टाइम ये पार्क बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, सभी लोग अपने मैट के साथ आए हुए हैं यहाँ पर। पूरा दिन भी यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। जैपनीज लैंग्वेज में साकुरा कहते हैं। साकुरा सीजन में ये लोग पूरे दिन अपना साकुरा पेड़ के नीचे स्पेंड करते हैं, वहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, आपस में बातें करते हैं और नेचर का, साकुरा का पूरा आनंद उठाते हैं। पर चेरी ट्रीज की छाया में डिलीशियस फूड को एंजॉय करते हुए। और अब बच्चे यहाँ पर आ गए हैं गेम्स स्टॉल्स पर गेम्स खेलने के लिए। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।